आज के वीडियो में हम मिल्टी मल्टीपॉट में बनाएंगे महाराष्ट्रन शादियों में मिलने वाला मसाले भात। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मल्टीपॉट का सोटे मोड ऑन करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। इनर पॉट में हम लेंगे 1.5 बड़ी चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, करी पत्ते और 1/4 छोटी चम्मच हींग। इन सबको हम तेल में अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच अदरक और 1 मिर्ची को फ्रेशली कूट लिया है, वो डाल रही हूँ मैं। थोड़ी देर भून लेंगे इसे। अगर आपको लगता है कि पॉट बहुत गर्म हो चुका है तो सोटे मोड को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब हम मसाले डालने वाले हैं तो मसाले जलने नहीं चाहिए। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच गोड़ा मसाला। गोड़ा मसाला ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन मसाला है जिसमें बहुत सारे खड़े मसालों को भूनकर पीस लिया जाता है, इसीलिए इस डिश को मसाले भात कहा जाता है। मिक्स कर लेंगे सब मसालों को, ध्यान रखिए कि वो जले नहीं, इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर पॉट गर्म है तो सोटे मोड को कैंसिल कर दीजिए। अब हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे इसमें। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप मटर, 1/2 कप टिंडली बारीक काट के लिया है मैंने, 1/4 कप गाजर। मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों को। अगर आपने सोटे मोड कैंसिल किया हुआ था तो अब यहाँ पे आप उसे ऑन कर दीजिए दोबारा से। दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीपॉट नहीं है और आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है इसकी अनबॉक्सिंग के वीडियो का, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इसको ख़रीदने के लिए बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट बताया हुआ है। चावल डालेंगे। 1 कप टुकड़ा बासमती लिया है मैंने। मैंने इस चावल को 3 पानी में धोकर अच्छे से 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था। चावल को थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो चावल के दानों पे अच्छे से कोट हो जाए। 1 कप चावल के लिए मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। आप जो चावल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पुलाव वगैरह बनाने के लिए जितना चावल और पानी का रेशियो रखते हैं आप उतना ही यूज़ करिए। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे इसे। 8 से 10 काजू ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और 2 चम्मच घी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट वेट करेंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। उबाल आने लग गया है तो अब हम ढक्कन लगा लेंगे और स्टीम वेंट को सीलिंग मोड पे कर देंगे। सोटे मोड को कैंसिल कर देंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे राइस मोड। ये देखिए, ये नॉर्मल पे है, वापस दबाने पे हाई पे और वापस दबाने पे लो पर आया है। तो हमें लो मोड पे 8 मिनट के लिए, जो कि इसका प्री सेट टाइम है, ऑटो मोड, उस पर कुक करना है। 10 सेकेंड में ये शुरू हो जाएगा। अब कुछ ही मिनटों में ये कुकिंग मोड पे चला जाएगा। ये देखिए, कुकिंग शुरू हो चुकी है। 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, कीप वार्म मोड के ऊपर जो बटन ब्लिंक हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वही बटन दबा के कीप वार्म मोड को कैंसिल कर दिया था। कुकिंग ख़त्म हो चुकी है। नेचुरली प्रेशर रिलीज़ होने दे रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम है मेरे पास। जब ये रेड फ्लोर नीचे चला जाएगा तो हम ढक्कन खोल देंगे। देखिए कितना बढ़िया मसाले भात रेडी हुआ है। चावल के दाने कैसे खिले खिले लग रहे हैं, चिपक नहीं रहे बिल्कुल। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। सर्व करते वक्त थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल से गार्निश कर दीजिए इसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ और मज़ेदार लेकर मिलते हैं। बाय बाय।